हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्में तीन चीज़ों की वजह से चलती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मेरी फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला में एंटरटेनमेंट भरा हुआ है। फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है मेरी, जिसमें कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस सब कुछ है। बहुत खूबसूरत गाने हैं इसमें। एक्शन क्वीन मधुबाला में मधुबाला की भूमिका निभा रही है कुंजन पर। कुंजन पंत ने इस फिल्म में बहुत कमाल की अदाकारी की है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, सारे एक्शन सीन खुद किए हैं बिना डुप्लीकेट लिए, और उनकी मेहनत इस फिल्म में आपको नजर आएगी। जहां एक तरफ गुंजन पंत अपने दुश्मनों को गोलियों से, हथियारों से मारेगी, वहीं दूसरी तरफ सपना चौधरी अपनी अदाओं से लोगों को घायल करेगी। सपना चौधरी की ये पहली फिल्म है और पहली फिल्म में ही उन्होंने कमाल का काम किया है। जब हम लोगों ने उनके साथ शूटिंग करी तो एक चीज़ मैंने उनमें देखी कि वो कहीं भी अब काम से दिल नहीं चुराती, बहुत मेहनत करती हैं और मिलजुल के काम करती हैं। कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है उनमें, कोई घमंड नहीं है। तो अगर आप सपना चौधरी की अदाएं देखना चाहते हैं तो उनका ये टैटू वाला गाना जो आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रहा है, बहुत चल रहा है, ये ज़रूर देखिएगा। फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला में गुंजन पंत और सपना चौधरी के अलावा गुलशन पांडे अपनी इमेज से बिल्कुल हटकर एक रोल कर रहे हैं। आज तक आपने उन्हें ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में देखा होगा, लेकिन इस बार वो कुछ और ही कर रहे हैं। तुमने आर के माथुर का नाम तो सुना ही होगा, शहर के 10 रईसों में उसका नाम आता है। और ये क्या कर रहे हैं ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि फिल्म एक सस्पेंस फिल्म है। अगर अभी बता दूंगा तो सस्पेंस ओपन हो जाएगा। राजेंद्र सिसाटकर भी एक्शन क्वीन मधुबाला में अपनी इमेज से अलग हटकर एक किरदार निभा रहे हैं। वो इस फिल्म में एक साउथ इंडियन विलन बने हैं। अन्ना जो बोलता है वो बिल्कुल भी नहीं करता है। बहुत शानदार अभिनय किया उन्होंने, उन्हें आप इस रूप में देखकर चौंक जाएंगे। हर दूसरी तीसरी विज्ञापन फिल्म में नजर आने वाली निशिकांत दीक्षित अपने 2 लाख रुपए वसूल रहा हूँ इस फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक्शन क्वीन मधुबाला में गुंजन पंत के साथ आपको प्रतीक चौधरी भी एक्शन करते हुए नजर आएंगे। एक्शन क्वीन मधुबाला में राजू श्रेष्ठा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस केस में सिर्फ मेरे हुक्म की तामील होनी चाहिए। मैं उनकी भूमिका के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि फिल्म सस्पेंस है। अपना दिमाग लगाने की कोशिश भी मत करना। उन्हीं की क्या, मैं किसी की भी भूमिका के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि फिल्म में सस्पेंस बहुत है। मेरी जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने जो अभी खाली हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला मैंने हर वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रख के बनाई। जैसे बच्चे भी पसंद करेंगे, जवान भी पसंद करेंगे, बूढ़े भी करेंगे, क्योंकि वो हर मसाला, हर इंटरटेनमेंट इस फिल्म में है जो एक प्रॉपर फिल्म में होना चाहिए। कोशिश की, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में है। कुछ इंसानों की जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली होती। फिलहाल आप प्रोमो देखिए और बताइए कि प्रोमो कैसा है। उसके बाद जब आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के बारे में भी बताइए कि हम अपनी मेहनत में कामयाब हुए या नहीं हुए। थैंक यू। देखिए सर, मुझे देखिए, यकीन मानिए।
घाटे का सौदा नहीं।